देवी परात्परा भगवती माता कृपा सागरी ब्रह्मानंद प्रदा यिनी हरवधू षट्चक्र चक्रेश्वरी माया मोहमयी जनोदय करी ब्रह्मांड भांडोदरी त्राही मां विमले सदा सुख करी श्री क्षेत्र राजेश्वरी त्राही मां विमले सदा सुख करी श्री क्षेत्र राजेश्वरी जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ आनंद कंद सच्चितानंद चिन्मय घन शरण शरण पद्म पलाश लोचना घट्टन घट्टन पटीयसी परात्पर परमेश्वर जगताधार अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक दिव्य दिव्य सभ्य सभ्य भव्य भव्य प्रलभ्य प्रलभ्य साक्षात मनमत मनमत मृदुल मृदुल मंजुल मंजुल दीन दयाल अकृतकर्ता अमृतमंता अदृष्ट दृष्टा भगवान जगदीश्वर जगन्नाथ महाप्रभुंकर अभय चरणारविंद जुगलर अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। भगवतींकर आज पूजार अयमारंभ आज सहस्र कुंभाभिषेक। सहस्र कुंभाभिषेक कौन? सहस्र कुंभाभिषेक काहीकि करा जाए? ये मूलाष्टमी कौन? आज एक पवित्र दिन एवं आज मंगलवार। मंगलवार रे मंगलमय प्रभुंकर दर्शन करिबा निमन्ते भक्त मानंकर मध्य भिड़। सिंहद्वार सबुबेला आपण देखिबे निश्चित भाव रे भिड़ थिबो एवं विशेषकर प्रातःकाल रे जो परिवेश ताहा अत्यंत मनोरम। भक्त माने आसिकरि जेतेबेले सिंहद्वार पहुँचिछंती मन भितर प्रभुंकर दर्शनर अभिलाष आशा जे प्रभुंकर दर्शन करिबु। जो प्रभुंकर दर्शन करिबा पई इंद्रादि सकल देवता व्याकुल से प्रभुंकर दर्शन आमे आज करिबु। प्रसन्न होई पाद प्रक्षालन करी अरुणस्तंभ को प्रणाम करी अरुणस्तंभ पीठ देश को हस्तर स्पर्श करी से हस्त को मस्तक भक्त लगे सिंहद्वार गुमुट पथ से मार्ग देकर प्रवेश करुछंती भक्त माने। आज एक पवित्र दिन भगवती हे माँ महिषामर्दिनी हे माँ स्नेह विहोला संतान वश्चला जननी ये सत्यर समुन्नत अचल सिंहासन रु आलुलायित कुंतल स्मालित बसन होकर संतान को वक्ष को तोलीनवाई भगवती आज माँ भगवती आज मान जाग्रत हे भगवती आज आज देवी उत्थापन भगवती शयन करी किंतु आज एक पक्षी जो शयन करी माँ आज हूँ देवींर अकाल बोधन माने हे देवी आपण एकपक्षी शयन कले जाग्रत हूँ माँ महिषासुर आदि राक्षस मान अत्याचार बढ़ला तो भगवती की जाग्रत करा जाए देवी को आज उत्थान करा जाए माँ भगवती महाप्रभु दर्शन एवं महाप्रभु होती दक्षिण काली बोली शक्त मान कहुं चक्रराज दर्शन नील चक्र उपर लाल रंगर पतित पावन बाना सतेजपरी प्रभुंकर भाव प्रेम सबुबले अहर निशी मुहुर मुहुर नृत्यरत प्रभुंकर प्रेम किपर रहा दरकार आमको पतित पावन बाना शिक्षा दिये तो आज पवित्र मूलाष्टमी एवं आज सहस्र कुंभाभिषेक भगवती आविर्भाव ही संतान मानंकर रक्षा निमन्ते मिथ्या तिमिराछन्न ये निम्नतम भूलोक को भगवती ओल्हाई आसंती एवं संतान माने कहते हे माँ आपण आसंतु भगवती आसंतु हे असुर दलिनी दश प्रहर धारिणी हे रणरंगिणी हे महिषामर्दिनी आपण से दिव्य मूर्ति धरी आपणकर स्नेहर संतान मानंकर हृदय रणांगन रे थरुटिए माँ भगवती विजय करंतु माँ विजय करंतु भक्त मानंकर प्रार्थना भगवान रामचंद्र प्रार्थना कले देवी को हे देवी आपण प्रगट हुंतु आपण प्रगट हुंतु फुटिलाणी काश तंडी आसुछंती महाचंडी विविध कुसुमे धरा होई मंडी महिषा सुरकु भंडी त्रिशूल
बक्षरे तेंडी अबनी मातार दुख तक्षणे खंडी दश भुजा रूपकु धरी जुगे जुगे पूजा पाओ हे माहेश्वरी दश भुजा रूपकु धरी जुगे जुगे पूजा पाओ हे माहेश्वरी। भगवतींकर आज सहस्र कुंभाभिषेक एवं माँकर आपण देखिए प्राणासी विश्वमखिलं सततं प्रभावैः स्वेस्तै जशाच सकलं प्रकटीकरोपि अस्तैव देवी चरसा किल कलम काले को वेद देवी चरितं तब वैभवस्य। अद्य होचि मूलाष्टमी, मूलाष्टमी ना जद्दाष्टमीं त्वं संप्राप्य अस्तं जाति दिवाकर तत्र कुर्यात् न कुर्यात् अपरेहनि अष्टम्यं बोधनं कृत्वा पक्षं संपूज्यमानवः। कौन कहगला ना आज्ञा अष्टमी रे बोधन, बोधन कहले उत्थापन। आनंद बजार देखुं, आनंद बजार रे जो समय आपण देखिए मंदिर जपर्यंत खोला थिबो ये बजार केते बेले खाली हुए भक्त माने इति सबबेले थिबे जो कैवल्य महाप्रसाद को पाइबा देवता माने व्याकुल से महाप्रसाद को जीव माने इति केवल प्रभुंकर महाप्रसाद सेवन करी प्रभुंकर परम पद को प्राप्त होंगे। अत्र सर्वे विमुच्यन्ते मत प्रसादानि सेवनात् एवं प्रसाद महाप्रसाद सेवन करी स्नान मंडप पर आपण बसीजी शरीर में जितेक बाधा थी क्लांत हो पड़े मन अशांत थी देखिए अशांत मन प्रशांत शांत हो स्नान मंडप उपर ये बड़दाण्ड को थरुटे देखिए जदि मंदिर निश्चित भाव में जी दर्शन पर आनंद बजार को जी आनंद बजार स्नान मंडप उपर बड़दाण्ड को देखिए आहा कि अपूर्व दृश्य। ता आज अद्य मूलाष्टमी, अष्टमी मूलाष्टमी कहले आज भगवतींकर बोधन, बोधन कहले उत्थापन, उत्थापन पूर्वक जो मानव एक पक्ष पर्यंत देवींकर पूजा अर्चना करिथाय तांकु कौन कहगला ना एक पक्ष कहले पंदर दिन पर्यंत देवींकर जो मानव पूजा अर्चना करिथाय एवं दशहरारे विसर्जन करिथाय सीए अश्वमेध यज्ञ समान फल प्राप्ति करिथाय कारण कलियुगरे केतटा जिनिष निषेध कर गोटे हूँ ता भितर गोटे हूँ अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ कलियुगरे निषेध कर अश्वमेध यज्ञ कलियुगरे केही करि पारिबे नाही किंतु अश्वमेध यज्ञर समान फल आमको किपरि प्राप्त हेब ना भगवतींकर पूजा करने द्वारा पूजा निजक नियोजित करने द्वारा भगवतींकर पूजा आम सहयोग करवा आम पूजा करे तो आम घर पाखे जदि कौटी पूजा होम शक्ति अनुसार शक्ति उपासना करवा आज्ञा आमको भगवती जीक देती फूल हो पत्र हो पुष्प हो फल हो जहा हो आम नहींक्री निश्चित भाव दवा पूजा निजक सामिल करवा एवं भगवतींकर पूजा करवा तो कहगला अष्टम्यां बोधनम कृत्वा पक्षम संपूज्यमानव भगवतींकर अष्टमी रे बोधन कहले उत्थापन करई उठई देवी को जाग्रत करई हे देवी आपण उठी जातु भगवती एक पक्षी शयन कले कारण माँ शयन करते राधाष्टमी दिन शयनर स्वतंत्र मंत्र रही उत्थापनर स्वतंत्र मंत्र रही ये हूँ देवींर अकाल बोधनी ये जो पूजार समय ये पूजार परंपरा आगुरी नथिला आपण कह नथिला अर्थात ये परंपरा भगवान रामचंद्र ठारु आरंभ जहाँ मान्यता रही भगवान रघुनाथ जितेबले लंकारे रावण आदि निशीचर मानक निहत करवा निमंते भगवतींकर उपासना करते एवं अकाल बोधनी माने देवी को देवी शयन करते देवी को जाग्रत करते हे देवी आपण एक पक्षी शयन कले माँ उत्तिष्ठ पुरुष किम सपीश भयम मे समुपस्थित तेणु भगवान से आराधना से उपासना देखु भगवान शक्ति उपासना कर शक्ति बिना उपासन कहीं केत ईप्सित वस्तु को प्राप्त ही नाती ये ऋषघर पटर दृश्य एवं भक्त माने जेहेतु ये परिक्रमार मार्ग कहीं कहीं भक्त परिक्रमा करपटू जाऊँगी किसी भक्त एवं सेपटू मध्य अनेक भक्त चलिकी आसुचंतीतस्थत भक्त मान भ्रमण जारी रही परेश देखु केते सुंदर परेश आहा महाप्रभुंर ये विश्व प्रसिद्ध भोजनालय तो देखु भग मान भगवान शक्ति उपासना कर शक्ति
बिना उपासनारे केही केतेबेले निज ईप्सित वस्तु को प्राप्त ही नाहंती। माँ भगवती सीता जेतेबेले भगवान को माने गौरी पूजन पई जाइछंती धनु भंगा हबो एवं धनु भंगा समय रे धनु भंगा हबो पूर्वरु धनुष यज्ञ जनक राजा आयोजन करिछंती। माँ जाइछंती गौरी पूजन करिबा पई आउ जेतेबेले गौरी पूजन करिबा पई जाइछंती पूर्वरु भगवान को देखिछंती दर्शन करिछंती बाटिकारे एवं भगवान मध्य माँ को देखिछंती सीता को। तो माँ जेतेबेले गौरी पूजन करिबा पई जाइछंती सेठी प्रार्थना करिछंती माँ को जय जय गिरीवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय गजवदन सड़ानन माता जगत जननी भामिनी दुति गाता भव भव विभव पराभवकारिणी विश्व विमोहनी स्वबस विहारिणी देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। जे हम तो ना कहीं देवींकर उपासना निश्चित भाव करवा दरकार माँकर उपासना शक्तिंकर उपासना बिना ब्रह्म को किपरि पाइबा तेणु ब्रह्म सर्वदा शक्तियुक्त होकर थामती आज्ञा देखिए महाप्रभुंकर सर्वसंपद होती लक्ष्मी तेणु परब्रह्मंकर सर्वसंपद तेणु देखंतु जेतेबेले माँ सीता पार्वतींकर पूजा करिछंती माँकर प्रतिमारु फूलमालटी खसी पड़ी एवं माँकर प्रतिमा से हसी आउ बर देइछंती माँ को हे सीते हे जानकी करुणा निधान सुजान सीलु सनेहु जानत रावरो करुणा निधान ही तुमको बर रूप से प्राप्त होवे अर्थात करुणा निधान यो नामटी भगवान रामचंद्रंकर ये माँ पार्वती देथले हे पार्वती सीता तुमको करुणा निधान ही पति रूप से बर रूप से तुम्हें ही तंकु प्राप्त होव तेणु जेतेबेले ये करुणा निधान नाटी भगवानंकर केवल माँ पार्वती सीता छड़ा भगवान छड़ा राम छड़ा आउ केही जाणि नथिले एवं चतुर्थरे किए जाणिले ना हनुमान हनुमान जेतेबेले लंका को जाइथिले स्वामी स्त्री जो गोटे गुप्त नाम थाए सेतेबेले माँ सीता कहीथिले हे माँ मु करुणा निधानंकर राण खाई कहुची सेतेबेले माँ को विश्वास होता तेणु देखंतु शक्तिंकर बिना शक्तिंकर उपासना रे केही केतेबेले किछि प्राप्त ही नामती तेणु आज भगवतींकर कौन ना आज हूँ मूलाष्टमी एवं भगवतींकर उपासनार दिन तेणु जदाष्टमी तो संप्राप्य अष्टम जाति दिवाकर तत्र कुरुज्यात न कुरुज्यात अपरे हनी अष्टम्यं बोधनम कृत्वा पक्षम संपूज्य मानव हो तेणु आज भगवतींकर सहस्र कुंभाभिषेक एवं जे अश्वमेध यज्ञ फल प्राप्ति होता है तेणु श्रीमंदिर आज मंगला आरती बढ़िबा परे पूजा पंडा ठाकुराणी माजणा और बेश बढ़ाई था एवं अखंड दीप प्रज्वलित करा जाए एवं ए जो अखंड दीप महाअष्टमी जाए निरवच्छिन्न भाव ये जली था माने से दीप को भल भाव लक्ष्य करा जाए निरवच्छिन्न भाव किपरि जलिबो खंड हेब नाही तेणु अखंड दीप जलिबा परे मंदिर पुरोहित षोडशोपचार पूजा पंडा को संकल्प कराई थांती संकल्प परे सूर्य पूजा और सिंह पूजा नीति बढ़ी थाए परे परे षोडश पूजा पूजा पंडा वरुण पूजा करी थांती वरुण पूजा परे मांकर बल्लभ आदि तीन धूप पांच अवकाश नीति समापन कराए समस्त पूजा षोडश उपचार रे पूजा कराए तेणु ठाकुराणी महास्नान बढ़ाई थांती परे राति धूप एवं अन्यान्य नीतिकांति बढ़ी थाए तेणु शारदीय पार्वण पूजा आज ठारु अयमारंभ तेणु शारदीय पार्वण पूजार अभिनंदन भगवतींकर तेणु पवित्र मूलाष्टमी तथा शारदीय पूजार तेणु प्रथम दिवस रे विभिन्न देवादेवींकर ये शाक्त पीठ मानंकर स्वतंत्र भाव रे मांकर बेश होइथाय एवं अनेक स्थान रे जोठी देवींकर शयन होइथाय दुर्गोत्सव शयन नीति जोठी होइथाय आज भगवतींकी बोधन माने उत्थान करा जाए माँ आज उठी थामती किंतु श्रीमंदिर रे दुर्गा शयन नीति नाही काहेकि ना एठी भगवती सुभद्रा उछंती मूल शक्ति सुभद्रा उछंती सकल शक्तिंकर जननी समस्तंकर जननी होछंती सुभद्रा एठी
कारण स्कंद पुराण आदि ग्रंथ मानक देखिए आमर सुंदर भाव में कहगला वामदेव संहिता एवं श्री महादेव भगवती पार्वती की कहते हे पार्वती शंखस्या वरणदेवी पतित प्रथम स्थिता रोहिणी कुंड पार्श्वे विमला नाम नामतः श्री प्रसादेन प्रतिदिन भक्षिता तत्र केवल सत्यम शेनत्वया जातम पार्वती नाम नामतः हे महादेवी भगवती सतींकर शरीर अंश जितेबले रोहिणी कुंड पार्श्वे पड़ा पर आपण महादेवी विमला नाम विख्यात हेले एवं आपणकर पूर्व संकल्प अनुसार प्रत्येक श्री जगन्नाथ महाप्रभु महाप्रसाद सेवा आपण करुछन्ति तेणु देखिए माने इठी कहगला पुनः तयोर मध्ये स्थितांग भद्रांग सुभद्रां कुंकुमारुणां सर्वलावण्य वसतिं सर्वदेवनाम नमस्कृतं लक्ष्मीं लक्ष्मींश हृदय पंकजस्थां पृथक स्थितां वराबजधारिणीं देवी दिव्य नेपथ्यभूषणां प्रपन्न कल्पललित लतिकां सर्वकल्मषनाशिनीं तेणु भगवती देवी सुभद्रा माने समस्त लावण्यर आश्रय महाविष्णुंकर हृदय कमल विलासिनी पद्म ओ वरमुद्रा धारिणी अनेक दिव्य अलौकिक भूषण धारिणी हे देवी शरणापन्नर मनोभीष्ट पूर्णकारिणी अटंती आपण एवं परब्रह्म स्वरूपिणी माँ सुभद्रा होती माने माँ सुभद्रा को समस्त देवगण नमस्कार करुछन्ति भगवती आदिशक्ति माँ सुभद्रा देवगणंकर समस्त संकट को हरण करुछन्ति आउ संसार सागर रे मग्न प्राणी मानंकर समस्त साप विनाश करुछन्ति एवं संकट रो उद्धार करुछन्ति सुभद्रा जापरा परसम भिन्ना प्रकृतिस्थे शिश्रोक्षया निर्विकार परब्रह्म विकारमश्रु दच्चसा श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर परम पावन श्रीक्षेत्रर भगवती पराशक्ति माँ सुभद्रा स्वयं परब्रह्म स्वरूपिणी स्कंद पुराण पुरुषोत्तम महात्म्य भगवती सुभद्रांकर देखिबे रथरे सुभद्रांकर रथरे पीठ को धारण करिथिबा नवशक्ति हेले किए प्रथमे उचंती विमला सुभद्रांकर रथरे विमला पार्श्वदेवी हिसाब से रुहंती माँ सर्वमंगला माँ बाराही माँ हरचंडी माँ जयदुर्गा माँ चामुंडा माँ वनदुर्गा माँ उग्रतारा माँ भुवनेश्वरी ये होंगे सुभद्रांकर रथर नवशक्ति तेणु ये क्षेत्र रे ये पीठ रे सुभद्रा होती सकल शक्ति समस्त जननी होती सुभद्रा एवं देखिए माने ये क्षेत्र रे वामदेव संहिता षष्ठ अध्याय कहगला विमल उत्कर्षिणी ज्ञान क्रियाजोग प्रभृति तथा श्री बलभद्र महाप्रभुंकर नवशक्ति एवं नवशक्ति भगवती देवी विमला विद्यमान अच्छा नाम होची विमला उत्कर्षिणी ज्ञान क्रिया जोगा प्रभु सत्या एवं ईशाना एवं अपराजिता तेणु स्कंद पुराण पुरुषोत्तम महात्म्य वामदेव संहिता तथा नीलाद्री महोदय मतरे माँ सुभद्रा श्रीक्षेत्र अष्टशक्ति अष्टचंडी जननी सुभद्रा होती मुख्य तेणु माँ पार्वती जननी रथर देखिए नवशक्ति अच्छा तन मध्य माँ विमला माँ सर्वमंगला अन्यतम पुनश्च ई शास्त्र रे अष्टशक्ति अच्छा कल्पवट मूल रही माँ मंगला मंगला बट मूले तु पश्चिमे विमला तथा एवं शंख क्षेत्र रे वायुकोण रे सर्वमंगला उत्तर दिगरे अर्धासनी बा मौसी माँ ईशान्य दिगरे देवी आलम्बा बा आलाम चंडी दक्षिण दिगरे देवी कालरात्रि बा दक्षिण काली पूर्व दिगरे रहिले किए मरीचिका पूर्वश्याम तु मरीचिका नैऋत दिगरे देवी चंडरूपा बा हरचंडी मूल आद्याशक्ति भगवती सुभद्रांकर आज्ञा अनुसार मूल आद्याशक्ति होती भगवती देवी सुभद्रा इठी ए क्षेत्र में श्रीमंदिर सुभद्रांकर ठारु दुर्गा आज्ञामाल प्राप्त होता
सुभद्रा ठार् आज्ञामल पाइबापर पूजार आरंभ तेणु सुभद्रा आज्ञा अनुसार देवी पार्वती शरीर रु सत्य युगर प्रकट हो श्रीक्षेत्र अंतर्वेदी को सतत रक्षा कर सुंदर भाव ये महाप्रभु देवलर दर्शन करुचे आज पूजार अयम आरंभ एवं सहस्र कुंभाभिषेक माँ जो क्षेत्र श्रीमंदिर बड़बाड़ सांतणी श्रीपादपीठेश्वरी दारु ब्रह्म विलासिनी सदा कैवल्य लोपिनी श्री बड़ ठाकुर प्राणप्रिया श्रीक्षेत्र राजेश्वरी माँ भगवती विमला आज पूजार अयम आरंभ एवं देखिए सतींकर जो एकावनटी शक्तिपीठ से एकावनटी शक्तिपीठ मध्यरु तंत्रोक्त प्रमुख शक्तिपीठ है चार प्रमुख तंत्रोक्त जो प्रमुख चारिपीठ रही सीला चारोटी जहाँ आद्यास्तोत्र कहगला रामेश्वरी सेतु बंधे विमला पुरुषोत्तमे विरजा उड्रदेशे च कामाख्या नील पर्वते तेणु माँ विमला पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ धाम स्वयं प्रतिष्ठित देवी माँ महिमा कि बनवी किए बा बनव माँ महिमा जी होती अवर्णनीय अनिर्वचनीय आदि शंकराचार्य मतरे से होती प्रत्यक्ष माहेश्वरी एवं श्रीमद भागवत महापुराण अनुजाई माँ पार्वती परम ब्रह्म जनार्दन महाप्रसाद पाइबापी अभिलाषित थिवारु तथा महाप्रसाद समस्त प्राणी भगवती सुलभ कराइबापी प्रार्थना करिथिवारु जगज्जननी एतादृश भक्ति रे संतुष्ट होकर जनार्दन मायापति भगवान देवी को वर प्रदान करिथिले हे देवी जेतेबेले पुरुषोत्तम धाम रे जेबे जगन्नाथ अलौकिक रु लौकिक हेबे सेबे जे क्षेत्र रे माँ रही प्रथम महाप्रसाद अग्रग्राही हेबे तेणु से दिन ठार श्री महाप्रभुंकर ये महाप्रसाद देखिए सर्वप्रथमे विमला कैवल्य भोजिनी देवी विमले विमल प्रदे गृह्णाम तु हरि कैवल्य सृष्टि स्थित्यांतकारिणी उक्त मंत्र रे महाप्रभुंकर थाली रे तुलसी काढ़ी बिल्व दल पकाई समर्पण करा जाए किंतु षोडश पूजा समय रे महाप्रभुंकर महाप्रसाद पुनः देवी पाखरे षोडश उपचार रे लागी करा जाए एवं भगवती विमलांकर पीठरे आरंभ होई छ आज्ञा षोडश उपचार पूजा आ माँ विमला श्रीमंदिर मध्य थिबा एक साकत बा कौल भैरवींकर मंदिर जहाँ सूचना जे सोमवंशी राजत्व समय रे समग्र ओडिशा रे शक्ति उपासना प्रसिद्धि लाभ करथिला से समय रे एवं एही समय रे ओडिशा देखिबे तंत्रर प्रमुख पीठ बा उड्डियान पीठ भाव रे परिचित होइथिला माने से समय रे एवं उड्डियान पीठ नाम रे एक तंत्र साकत ग्रंथ मध्य रहिछि उड्डीश तंत्र बोली कह जाए एवं आ गोटे कथा मध्य कह जाए जो माने तांत्रिक जदि से माने उड्डीश तंत्र को जानी नाहंती ताले से माने से तांत्रिक कौन करिवो जह उड्डीश न जानंती सो नरक किंग करिष्यति माने ए भली गोटे कथा कह जाए जे उड्डीश तंत्र जानी नाही से की तांत्रिक म से कौन तंत्र विद्या प्रयोग करिवो भक्त मानकर देखुछंती किपरि भाव रे भक्त आगु को पाद पड़ुची एवं से पाद कहि दउची केते व्याकुल अछंती भक्त प्रभुंकर दर्शन करिवा पई जेतेबेले से मानंकु बाट छाड़ी दिया जाउची द्वार उन्मुक्त कर दि जाऊँगी जे लंबा धाड़ी रही भक्त प्रतीक्षा करते धाड़ी सर आम मुक्त हबु जा प्रभुंकर दर्शन करूँ तेणु श्रृंखलित भाव में सुंदर भाव ये व्यापक व्यवस्था मध्य भक्त मैंने आज दर्शन करने आसती पाग आप देखिए टी मेघुआ पाग रही झिपझिप वर्षा कारण आज देवी सहस्र कुंभाभिषेक वनदुर्गा मंत्र देवी आज सहस्र कुंभाभिषेक भगवती हे हजार आठ कुंभ स्नान हेबे माँ आज एवं पूजार आज अयम आरंभ तेणु आज एक पवित्र दिन मूलाष्टमी अद्य भगवती माँ दर्शन एवं महाप्रभुंकर दर्शन शक्ति उपासनार समय आज्ञा आज ठार अयम आरंभ माँ उपासनार काल तेणु कि जो
पीठ आज्ञा भगवतींकर ये विमला पीठ ये एक प्रमुख पीठ एवं ये पीठ को उड्डयन पीठ भाव मध्य से समय रे परिचित हो सारी ऐतिहासिक अनुसार वर्तमान विमला मंदिर से समय भारत वर्षरे सर्वत्र शिव दुर्गा उपासित होता बेले पुरुषोत्तम क्षेत्र में विमला और श्री जगन्नाथ को केन्द्र करके परंपरा देखा जाता है। प्रथम शक्तिपीठ मध्य पादखंड भाव विवेचना कर मंदिर प्रसिद्ध देवी सती पाद स्थान पड़ी एवं देवी विमला श्रीपाद पीठेश्वरी कि पादपीठ एवं देवी विमला शक्ति एक अहिंसा रूप तंत्र आधार ब्रह्मजामल तंत्र अंतर्गत आद्या स्तोत्र अनुसार देखिए कहगला रामेश्वरी सेतु बंधे विमला पुरुषोत्तमे विरजा ओड्रदेशे च कामाख्या नील पर्वते अर्थात सेतु बंधे रहिले देवी रामेश्वरी एवं पुरुषोत्तमे विमला पुरुषोत्तमे पुरुषोत्तम क्षेत्र रे विमला ओड्रदेश रे से विरजा पुनश्च नील पर्वत रे कामाख्या रूप रे विदिता एवं तंत्र चूड़ामणि ग्रंथ अनुसार यदि तंत्र चूड़ामणि ग्रंथ को देखा जाए तबे तंत्र चूड़ामणि अनुसार उत्कल देश रे ही सतींकर पाद पतित होइथला एवं माँ विमला पादपीठेश्वरी ओ कई कई यहाँ को श्रीपा श्रीपीठ उद्दिष्ट पीठ नाभिपीठ बोली मध्य वर्णना करिछन्ति। महानिर्वाण तंत्र अनुसार पूरी श्रीमंदिर भैरवी चक्रर माने जंत्र बा नक्शा आधार निर्मित होइछि भैरवी चक्र एवं श्री क्षेत्रेश्वरी राजराजेश्वरी विमला माँ तांत्रिक पीठ मध्य श्रेष्ठ अटंती एवं जो भारत वर्ष देखिए 51 शक्तिपीठ रही भगवती देवी विमला ये पीठ दशम स्थान रे तेणु ये एक श्रेष्ठ पीठ एवं ये पीठ हूँ एकांत गोपनीय सिद्धतंत्र पीठ और एठारे कूल उड्डीश तंत्र माने गंगायांग मंगलानाम विमला पुरुषोत्तम ओ विमला जत्र भैरवी जगन्नाथस्तत्र भैरव विमला सा महादेवी जगन्नाथस्तु भैरव यही न्याय रे यही नियम अनुसार जगन्नाथ अजय कपाद भैरव ओ बलभद्र होती कौन ना अहिर्बुद्धन्य शेष भैरव एवं सुभद्रा होती भुवनेश्वरी एवं महालक्ष्मी होती कमलात्मिका एवं सुदर्शन होती एकलिंग ओ विमला होती कौलेश्वरी बा महाभैरवी अटंती स्वर्णाभ अष्टधा पद्मम तन्मध्ये कोशरोज्ज्वलम विमला मध्य देशे तु पूजयेत् मंत्री भक्तितः उत्कर्षिणी क्रिया योगा ज्ञान सत्या यथाक्रमात् पद्मानुग्रह ईशानी दलश्च शक्ति भी तथा नवम शताब्दी बेलकु इतबेले शंकराचार्यंकर द्वारा देवींकर विग्रह कला मुगुनी पथर रे प्रतिष्ठा होइथिबार कहैछि एवं देवी चतुर्भुजा त्रिनेत्रा मांकर देखिबे विग्रह प्राय 5 फुट उच्चता विशिष्ट विग्रह गळारे मुंडमाल धारण करिछन्ति देवी एवं अष्टदल पद्म उपरे दंडायमान होइछन्ति एवं से ऊपर दुईट हस्तरे ऊर्ध दुई हस्तरे नागपाश मत्स्यकन्या धारण करिछन्ति एवं देवी निम्न हस्तरे दुईटे जपमाला एवं एक अमृत पात्र धारण करिछन्ति एवं देवींकर दक्षिण और वाम पार्श्वरे माया और छाया देवी माने देवकन्या एवं नागकन्या ये अधिष्ठिता होइछन्ति अवस्थिता अछन्ति तंकर एवं एतद् व्यतीत विमलांकर मंदिर सप्तमातृका दश महाविद्या आदि मध्य पूजा पाउछंती एवं विमला माँ पूजा पाउथुवा मंदिर उच्चता होची 60 फुट एवं यहाँ 3 भाग रे विभक्त मुखशाला विमान एवं जगमोहन नाटमंडप षोडश मातृका एवं जोगिनी 44 चित्र
नाटमंडप कांथर मध्य चित्रित होई तेणु शारदीय षोडश दिनात्मक पूजारे दुर्गा माधव एकत्र भद्रासन रुंधाई था दुर्गा माधव उपासना एवं विमला मंदिर रे विजय एवं श्री दुर्गा माधव उपासना और यात्रा विधि या अश्विन कृष्ण अष्टमी ठारु आरंभ होई अश्विन शुक्ल दशमी तिथि अर्थात दशहरा दिन शेष होई थाए एवं प्रतिदिन नारायण मंदिर को यात्रा करिथांती और यहाँ शाक्त गुंडीचा यात्रा मध्य कहा जाए आई समय रे सप्तमी अष्टमी नवमी अर्धरात्रि समय रे स्वतंत्र भाव रे महानिशा पूजा अनुष्ठित होता जो जो थे देवी पार्श्वर थिबा नागकन्या एवं देवकन्या तथा चौसठ जोगिनी पशु प्रक्षण अनुष्ठित माँ नारायणी वेश बनदुर्गा वेश बगला वेश हरचंडी वेश मातंगी वेश राजराजेश्वरी वेश सिंहवाहिनी वेश भुवनेश्वरी वेश उग्रतारा वेश जयदुर्गा वेश और दशहरा दशहरा रे माँ अपराजिता वेश ये आदि आदि वेश अनुष्ठित होता है। षोल पूजा समय आप देखिए भगवती अनेक सुवर्ण अलंकार धारण कर जेहेतु आज पूजार अयमारंभ तेणु जगन्नाथ दास देखिए श्रीमद भागवत द्वादश स्कंधे कहले नारायण कलारूपिणी ज्ञान क्रिया ये इच्छा तिनि विमलादि नवशक्ति ये मध्य राम विलासिनी ये जो पारंपरिक सरणी में विमला जगन्नाथ मायाशक्ति विमला होती जगन्नाथ मायाशक्ति बलभद्रंकर क्रियाशक्ति एवं सुभद्रांकर इच्छाशक्ति सही हिसाब से विमला होती राम विलासिनी बा बलभद्र बल्लभा ज्ञान रूपा बोली कथित होती श्रीमद भागवत प्रमाण अच्छे बड़ ठाकुर घरणी बड़ नाम बहिछु बड़ देउड़े रहीण जनम नामु तेणु भगवती विमला होती विमलादि नवशक्ति ये मध्य राम विलासिनी ये होंगे राम विलासिनी बलभद्र वल्लभा ज्ञान रूपा तेणु ये कथा कहगला एवं बलभद्र प्रिया देवी चिद्ज्ञान विमलात्मिका शुद्ध ज्ञान स्वरूपा यही सर्वसंपद प्रदायिनी तेणु षोल पूजा परंपरा अनुजाई बड़ ठाकुर श्री बलभद्रंकर पवित्र अधरमाला पतकादि विमला लागी करा जाए एवं सेहीपरी महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर अधरमाला महालक्ष्मी को लागी हुए दुर्गा माधव प्रथम दिन विमला मंदिर को विजय होगा पूर्वर विमलांकर पाखरे सहस्र कुंभाभिषेक पूजा सरता है। सहस्र कुंभाभिषेक कहले भगवती को हजार आठ कुंभरे वनदुर्गा मंत्र माँ को स्नान करा जाए जेहेतु आज पूजार अयमारंभ भगवती आज पूजार बसवे तेणु हजार आठ कुंभ जल माँ को स्नान करा जाए ये पूजा सहस्र कुंभाभिषेक आज करा जाए था एवं प्रथम पूजा पाई सकाळ धूप शेष परे विमलांकर देउळ रे परीक्षा ओ परिकरगण माने हुकुम मान पाठ करंती एवं ब्रह्मावरण निमन्ते वरण पूजा हुए आचार्य वरण ब्रह्मावरण स्वस्ति वाचन चंडी वरण हुए संकल्प हुए ठाकुराणी छामुरे पानी पड़ी पहाड़ पड़ी भोग बढ़ा हुए पालिया सेवक पूजा ठाकरे प्रधानी सेवक प्रधानी पूजकों को डकाई पूजारे बसंती एवं पूजा षोडशोपचार हुए कोठभोगर महाप्रसाद पिठा थाली खिचुड़ी विमला मनोहिरे बढ़ा जाए एवं भोग पूजा बेले घंट काहली बाजे छत्र धरा जाए एवं पूर्व काल रे इस समय रे परीक्षा पटुआर करुथले एवं देवदासी नृत्य करुथले वर्तमान अद्यावधि होना एवं टेरा फिटिले कर्पूर आलती एकोशीवती बंदापना हुए सकाळ धूप आरंभ रु शेष पर्यंत
चंडीपाठ और सहस्र नाम आदि पाठ करा जाए। किंतु ये पाठ मध्यान्न और रात्र धूप मानकर हुए ना। विधि अनुसार श्रीजीव मानकर मध्यान्न धूप और संध्या धूप पर विमला मध्यान्न और संध्या धूप हुए। आई धूप मानकर सकाल धूप पर प्रसाद और पिष्टक आदि देवी को नैवेद्य रूप से बढ़ा जाए था। घंट कहाली और क्षति व्यवस्था प्रत्येक धूपपाई अच्छी। सप्तमी दिन ठारु विमला त्रिदिवसात्मक पूजापाई मैंने पूर्क संकल्प करा जाए। आते तर्पण मार्जना आदि सह बलि जप होम आदि सब जोग करन दिन अर्थात सप्तमी अष्टमी और नवमी निशार्धरे स्वतंत्र भाव पूजार विधि व्यवस्था रही। माँ ये भोग सब प्रस्तुत निम्ते विमलांकर मंदिर आगे थिबा कूपर दक्षिण दिगरे अस्थाई पाकशाला निर्मित होता। बड़ देउल श्रीजीव मानक रात्र पहुड़ पर श्रीमंदिर बेढ़ा शोध करा जाए। पश्चिम द्वार बाटे देवी भोग प्रस्तुति निम्ते ये सब कार्य करा जाए थाए। तेणु अनेक विधि रही श्रीमंदिर भितर जहाँकि अत्यंत रहस्यमय और जो गुटाक हूँ अप्रकाश्य सर्वसम्मुखे प्रकाश करहब ना जहाँकि अत्यंत गुप्त जहाँ मध्य समस्त को जाना न थाए। तेणु अनेक कथा श्रीमंदिर भितर पूजा समय माँ का पाखे हुए। माँ का पाखे विधि विधान अनुसार शंखुड़ी भोग होता है एवं द्वार पर्यंत पानी पड़ी धुआ जाए। विमला पूजा 16 दिन भीतर आप देखिए कौन सी स्त्री लोक विमला मंदिर को भीतर को प्रवेश निषेध। दैनंदिन भोग को छाड़ी देले 16 पूजा बेले विमला केतेक अधिक भोग होता है। लोकंर खंजा अनुजाई संध्या धूप पर विमला ठाकुराणी विभिन्न देवी बेश हुए वनदुर्गा बेश भुवनेश्वरी बेश नारायणी बेश आदि आदि बेश माँ भगवती होती। तेणु श्री क्षेत्रेश्वरी जी विद्महे दुर्गा माधवा अभ्यंग धीमहि तन्नो विमला प्रचोदयात्। ओडिशार शक्ति पूजार आधिक्य रही हैं प्रधानतः 8 तंत्रपीठ से शक्ति स्वरूपिणी देवी क्योंठी कौटी अष्टभुजा तो क्योंठी आज्ञा द्विभुजा क्योंठी परम वैष्णवी नरमुंडमालिनी और क्योंठी कात्यायनी रूप से पूजिता। उत्कलीय शक्तिपीठ गुड़िक जगते ख्यात श्रीक्षेत्र माँ विमला काकटपुर माँ मंगला बाणपुर भगवती झंकट से सारला जाजपुर विरजा बांकी चर्चिका संबलपुर समलई और तालचेर हिंगुला भाव में पूजा पाई आसुचार और प्रत्येक मांगलिक कार्य दुर्गा माधवं स्मरण कराए। उत्कल संस्कृति तेणु पवित्र आज मूलाष्टमी देवी उत्थापन तेणु भगवती सर्वमंगला माँ को स्वतंत्र भाव पूजा अर्चना आज करा जाए थाए। महाप्रभुंकर सुंदर दर्शन प्राप्ति होची एवं देखिए जदि सिंहद्वार मध्य अनेक भक्त मानकर भिड़ तेणु जो महाप्रभु माने ये भवसागर को भवसागर रु पारी करिबा पई भगवान जगन्नाथ होती आज्ञा नाउरी। संसार कथा छाड़ू ये संसार तो तांकरी सृष्टि तांक अंगीत संसार रे लहरी आतजात हुए सूर्य चंद्र दिनराति करती। से महाप्रभुंकर इंगित रे बिना गच्छरु पत्र टी झड़ी पारे नाही तेणु तांक भक्त को रक्षा करिया से हाथ टेकिकी सब बस आर्त मृगुणी आर्त भक्त गजराज ठारु आरंभ कर द्रौपदी मध्य रक्षा पाई। आई भक्त हूँ सर्वोपरि सर्वस्व हूँ भक्त तेणु विश्वास ही हूँ मूल तेणु विश्वास मिलती हरि तर्के बहुदूर। तेणु से हीपरी भाव में भगवान भक्त वत्सल दर्शन करुंदर भाव में माँ भगवती पूजार आज अयमारंभ माँ दुर्गा नाम
जपोजस्य किंतस कथयामिते अहम पंचानन कांते तज्जापादेव सुब्रते। तेणु दुर्गांकर नाम ये जगत प्रपंच चिद विलासिनीकर लीला अटे। तेणु लीलामयीकर करुणा पाइबाक जीव लालायित होवा नैसर्गिक स्वाभाविक। एवं दुर्गा शब्दर अर्थ आज्ञा यदि आम देखा दुर्गा शब्द अर्थ प्रति जदि ध्यान दवा तेज जहाँ सहायत ब्रह्मेन्द्र रुद्र निज निजर कर्म संपादन करीटरु विराट पर्यंत जहाँ कृपा लवलेश को चातक पी चाह रही था जेठारे तीन गुण पंच महाभूत संगठित विघटित होती प्राणी मात्र के समस्त दुख कष्ट स्मरण मात्र के संकट हारिणी होती माँ दुर्गा। तेणु दुर्गा नाम जपोजस्य किम तस्य कथयामिते अहम पंचानन कांते तज्जापादेव सुब्रते। पंचाननकर मंत्रात्मक पंचमुख भगवान शंकरंकर जो पांच मुख कौन कौन ना सद्योजात वामदेव अघोर तत्पुरुष एवं ईशान। ये पंचमुख ये शिवंकर पांच मुख दुर्गा नाम जपरे माने होई पारिछ। तेणु गौरी त्वमेव शशिमौली कृत प्रतिष्ठा ये कथा कामिकागमरे मध्य अछन्ति। पंचमुखरु लौकिक वैदिक आध्यात्मिक अतिमार्ग मंत्रर उत्पत्ति होइथिला। वेद सप्तशक्ति ये मतरे ये एक अटन्ति। भगवत गीता और श्री सप्तशक्ति मध्य एक अटन्ति। दुईटी समत्व देखु सतश श्लोक गीतार सतश श्लोक चंडी सतश श्लोक रचयिता जड़े सी हूं व्यासदेव अर्जुन हूं सुरथ मेधाबुद्धि सारथी हूं श्री वासुदेव। प्रयोजन मध्य एक यदा यदा ही धर्म से ग्लार्भवती भारत आठार भी कहगला इत्यम यदा यदा बाधा दानवोस्था करिष्य तदा तदा वर्ती वर्तीयोरहम करिष्याम्यरि संक्षयम्। प्रारंभिक स्थिति समान परिवार व्यमोहरे विमोहित अर्जुन स्वजन मोहरे मोहित राजा सुरथ मोहग्रस्त गुरु विष्णु रूप से भगवान श्री कृष्ण और मेधा मध्य श्री विष्णुंकर उपासक अपरोक्ष दर्शन जारी समाधि चित्तर कहिछंति जे फल फलागम मध्य एक अर्जुन भी सुरथंक भली विजयी होकर राज्य शासन करिछंति। तेणु दुर्गांकर जो सप्तशक्ति मांकर चंडी बोली आम कहे ये तीन चरित्र विशिष्ट। प्रथम चरित्र निजर सोइथिबा शक्तिर जागृति न होवा तक कौन सी कार्य हो पारिबनि। पशु बलजुक्त मधुकैटव बुद्धि बलजुक्त श्री विष्णुंकर पाखरे पराभव करिछंति जे विष्णु से दुर्गा बुद्धि रूपेण संस्थिता। यह हूँ मूल सन्देश आज्ञा एक परमात्मा सबरी रूप से लीला करुछन्ति। तेणु भगवान श्री विष्णु कल्पांतरे कमठ पीठ रे शेष सज्जारे जोग निद्रा जीभूत समय रे पृथ्वी जेतेबेले अत्यंत कोमलत जीव सृष्टि असंभव सेई समय रे जीव जगत को धारण करिबा पाई महामाई श्री मन नारायण को जोग निद्रा रे माने प्रसुप्त करी कनिष्ठांगुल्यग्रे कर्णमु कर्णभूत माने मलरे मधुकैतव सृष्टि है। और राजा सुरत होती जीवात्मा समाधि वैश्यंक सह मिशी अंतर्प्राज्ञ बुद्धि बा मेधा ऋषि पाख को जाई दिव्यत्वर उपासना जहा देवी उपासना करिथंति जगदम्बांकर दर्शन रे मृतसंपत्ति अर्थात जीवर आत्मदर्शन को पाई पारिछंति। देवींकर रहस्यमय गहन आज्ञा। तेणु प्रलय कालर स्थिति जहाँकि हूँ सत्व अर्थात समता शुद्धता रजस हूँ बासना तमस अज्ञान अंधकार बा जड़तार प्रतीक। प्रलय समय रे वैषम्य न रही सम रही थाए
ଜଳ ହେଉଛି ଅବ୍ୟକ୍ତର ପରିଚାୟକ। ତେଣୁ ଶେଷନାଗ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡୀୟ ଚେତନା ବା ପରମାତ୍ମା ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତିର ଅନନ୍ତ ସାଧନର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତିର ନିଦର୍ଶନ ଶେଷନାଗଙ୍କର ଫଣା ଏବଂ ଅସଂଖ୍ୟ ଜନ୍ମର ଅବିଦ୍ୟା ନିର୍ମିତ ଅନନ୍ତ ବାସନାରୁ ଚିତ୍ତରେ ଠୁଳ ହୋଇଥିବା ବୃତ୍ତି ହେଉଛି ମଧୁ କୈଟଭ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁକର୍ଣ୍ଣଭୂତ ମଳମାନେ ସଦଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁରୁମୁଖରୁ ନ ଶୁଣି ପରମ୍ପରା ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୋଇଥିବା ବିଦ୍ୟାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ମନମାନୀ ଅଜ୍ଞାନ ହିଁ ମଧୁ କୈଟବ ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ ଉପାଦାନ। ମଧୁ ସଂସ୍କାର ମାନେ ମଧୁ ସଂସାର ମିଠା ମାନେ ରାଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଲ ପାଇବା, କୈଟବ ଅର୍ଥାତ୍ କଡ଼ୁଆ ମାନେ ଦ୍ୱେଷ ବା ଘୃଣା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ରାକ୍ଷସଙ୍କ କବଳରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଜୀବ ସୃଜନଶୀଳତାର ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ହରାଇ ପକାଏ। ଆଉ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନିଦ୍ରା ମାନେ ତଦୈବାର୍ଥ ମାତ୍ରା ନିର୍ଭାସ ସ୍ୱରୂପ ଶୂନ୍ୟମୀବ ସମାଧି। ପାତଞ୍ଜଳ ଯୋଗାଭ୍ୟାସରେ ଶରୀର ଜାଗ୍ରତ ଥିବାବେଳେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟମାତ୍ରାର ଆଭାସ ରହିବ, ଚିତ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଶୂନ୍ୟ ରହିବ, ଆଉ ଏହାକୁ ସମାଧି ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଆଉ ଏହା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନିଦ୍ରା। ବ୍ରହ୍ମ ଧ୍ୟାନ କରିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ତତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକତା ନତା ଧ୍ୟାନମ୍ ପାତଞ୍ଜଳ, ସଂସାରର ବୃତ୍ତିକୁ ଅଖଣ୍ଡ ମନଯୋଗ ସହକାରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ତାହାଠାରୁ ତାର ସମଗ୍ର ଦର୍ଶନରେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ମୁକ୍ତି ହୋଇ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତନ କରିବା ଧ୍ୟାନ। ଏହି ଧ୍ୟାନରେ ମହାମାୟା ପ୍ରଗଟ ହେବେ, ଯେ ମହାଶକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମାୟା ମ ଅର୍ଥ ମ ଶିବ ପରମ ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରାପ୍ନୋତି ପ୍ରଭାବତ ମ୍ୟାୟେତି ପ୍ରଚ୍ୟତେ ଲୋକେ ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠା ସନାତନୀ। ସିଦ୍ଧାଗମ ଗ୍ରନ୍ଥ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ବିନୋଦ କାଳରେ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ଜଗତ ନିର୍ମାଣାର୍ଥେ ପ୍ରଳୟ ଏକ୍ଷତେ ବା ଏକୋହମ୍ ବହୁଶ୍ୟାମ ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମିକା ମାୟାରୁ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ଆଉ ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମର ସୃଷ୍ଟି ପରି ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ସୃଷ୍ଟି ସୃଷ୍ଟ। ତେଣୁ ସପ୍ତସପ୍ତି ଚଣ୍ଡୀପାଠ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବେ ଦେବୀ ସୂକ୍ତରେ ପାଠର ଅପୂର୍ବ ମହିମା ରହିଛି, କାରଣ ଗ୍ରନ୍ଥର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବୀ ସୂକ୍ତ ଏବଂ ଅଭୃଙ୍ଗ ଋଷିଙ୍କର କନ୍ୟା ବାକ୍ ପରମାତ୍ମା ସହ ତଦାତ୍ମୀୟ ହୋଇ ସେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଭବ କରିଲେ। ଶ୍ରୀ ସପ୍ତସପ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣିତ ଚଣ୍ଡୀ ଏହାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରୂପ ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧ ମୁକ୍ତ ଚିନ୍ମୟୀ ଥିଲେ। ଅହଂ ରାଷ୍ଟ୍ରେ ଭିବସୁଭିଶ୍ଚ ଠାରୁ ଏତାମ୍ବତୀ ମହିନା ସମ୍ଭବୂଭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଅଭୃଙ୍ଗଙ୍କର କନ୍ୟା ବା କହିକିରି ମିତ୍ର ବରୁଣ ଇନ୍ଦ୍ର ଅଗ୍ନି ସବୁକିଛି ଯେ ମୁଁ ତାହାର ଅପରୋକ୍ଷ ସାକ୍ଷାତକାର କରିଥିଲି ଏବଂ ଅଜାମିଳତନ୍ତ୍ରରେ ଏହି କଥା ବିଶଦ ଆଲୋଚନା ସହ ପୁଷ୍ଟି କରାଯାଇଛନ୍ତି। ଅଜାମିଳତନ୍ତ୍ରରେ ଦେବୀ ସୂକ୍ତର ନିତ୍ୟ ପାଠ ଦ୍ୱାରା ସାକ୍ଷାତ ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଅମ୍ବି ଅମ୍ବିକ ଅମ୍ବାଳିକି ନ ମାନେତି କଶ୍ଚନ ସ୍ୱସ୍ତ୍ୟ ଶୋକ ସୁଭଦ୍ରିକା କମ୍ପିଲ୍ୟ ବାସନ। ତେଣୁ ସପ୍ତସପ୍ତିର ତିନି ତତ୍ତ୍ୱ ଅଗ୍ନିସ୍ୱରୂପ ଭୂସ୍ଥାନୀୟ ଋଗ୍ବେଦ ଅଗ୍ନିତତ୍ଵ ସ୍ୱରୂପିଣୀ ଅମ୍ବା ୟଜୁର୍ବେଦ ସ୍ୱରୂପା ବାୟୁ ତତ୍ତ୍ୱର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଅମ୍ବିକା ଓ ସାମବେଦ ସ୍ୱରୂପାର ମାନେ ସ୍ୱସ୍ଥାନର ଅଧିକାରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ଅମ୍ବାଳିକା ଏହା ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୈଦିକ ସ୍ୱରୂପର ସମନ୍ୱୟ। ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନରେ ସାକ୍ ସକତେ ସମ୍ଭବାତ୍ କହିକିରି ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତିଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ସକଳ ଶକ୍ତ ଧାତୁ ରେ କିରି ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୋଇକିରି ଶକ୍ତି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ। ଦେବୀ ଭାଗବତରେ ସମଙ୍ଗଳ ବା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟବାଚକ ଶକ୍ତି ପରାକ୍ରମବାଚକ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି। ପୁଣି ସପ୍ତସପ୍ତିରେ ତ୍ୱଂ ବୈଷ୍ଣବୀ ଶକ୍ତି ଅନନ୍ତ ବିରିଜା
ये कथा कहकर विश्व से शक्ति बोली कह जो सृष्टि शक्ति रजत भ्रांति वत अध्यस्त होकर सत रूप से देखा जाती माँ मधुकैटव बध पाठ करे ब्रह्मग्रंथि महिषासुर बधरे विष्णुग्रंथि शुंभ निशुंभ बधरे रुद्रग्रंथि भेदन होकर जीव शिव होकर शिव साजुज्य हो जाए। तेणु मार्कंडेय ब्रह्मा को पाठर नियम पचारे ब्रह्मा कहले दुर्गा पासना कल्पद्रुम कीलक शंकर प्रोक्त कवच ब्रह्मणा कृतम अर्गल विष्णुना प्रोक्त मेतत तत्रियमुत्तम अर्गलारे पापनाश कीलक सिद्धि ओ कवचरे सदा रक्षा होता है नतेभ्य सर्वदा भक्त्या चंडिके दुरीता पहे। श्री चंडिका को प्रणाम करे पाप विनष्ट हुए। जयत्व देवी चामुंडे जय शब्द उद्घोषरे माने जय चामुंडे ये जय शब्द उद्घोष कले चित्त अंतर्मुखी हुए। आई श्लोक मधुकैटभ महिषासुर शुंभ निशुंभ बधरे काम क्रोधाधि षडरूप विनाशर संकेत मिले। जयं देहिरे सत्यमेव जयते नानृतं उपनिषद अनुसारे सत्यरे जीवर प्रतिष्ठा हुए ही मंगल कामना कर सप्तशक्ति महादेवं द्वारा शापित स यहार साप विनिर्मुक्त पाई कीलक समस्त विघ्न शांति पाई शिवंकु प्रणाम उपासना करा जाई। तेणु विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिदेवी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे देवी कवचरे आत्मोन्नति संदेश रही। योग और तंत्र अंगन्यास करन्यासर विधान रही। इति भक्त दर्शन निमंते देखन्तु आसुचन्ति एवं अनेक भक्त दर्शन सारी फेरुचंती एवं अनेक भक्त मध्य दर्शन निमंते प्रवेश करुचंती केते बेले प्रभुंकर दर्शन करिवे जे देवींकर सहस्त्र कुंभाभिषेक सहस्त्र कहिले हजार 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 आठ कुंभरे देवी आज स्नान करिवे। तेणु आज देवी उत्थापन महाप्रभ सुंदर भाव रे भगवतींकर पूजा आज पूजार अयम आरंभ। तेणु भक्त मानकर निश्चित भाव भिड़ रही। तेणु आप देखिए अगुरु चुआ चंदन झुणार दिव्य बासनारे आज चतुर्दिग मान प्रकंपित हे कंपमान हे महकित हे एवं धरणी तार सुविशाल अंग को काशतंडीर चादर पर सजेई देलानी बास आउ किछि क्षण आउ कीटार अपेक्षा एक सहस्र कुंभरे अभिषेक होकर महामाया तेजबे एक पक्षर जोग निद्रा एवं प्रदोषरे माँकर विभिन्न पीठस्थ नदी मानकर पवित्र जलरु घट आनयन पर्व घंट घंटा ओ बाद्य नादर निर्घोषरे प्रकंपित हेव मार विभिन्न पीठ आरंभ हेव मार महापर्व अपेक्षा से महाक्षण को। तेणु आज एक पवित्र दिन माँकर आज सहस्र कुंभाभिषेक पूजा रही आरंभ तो समय तो आसी उपस्थित अकिंचन निश्चित भाव बाणी को विराम देव सीधा प्रसारण जारी रही आसतु आम भावपूर्ण भजन को श्रवण करवा कंठदान कर महाप्रभुंर स्वर सेविका सुनाम धन्य गायिका सुकंठ गायिका प्रणम्य गायिका श्रीमती नमिता अग्रवाल मानकर भावपूर्ण कंठरू जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ।